वालेकुम मैं हूं मंसूर सलीम और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने परेशानियों को और उन चीज़ों को जिनसे हम बेजार हैं इंग्लिश में बताते हैं When यू आर बोर्ड annoyed, मेंटली एग्जॉस्टेड और when यू नो लॉन्गर enjoy समथिंग बिकॉज़ यू हैव डन इट टू मैनी टाइम्स वी यूज टाइड ऑफ प्लस नाउन और जैरन यानी जब कभी हम किसी काम को बहुत ज़्यादा करने की वजह से बेजार हो जाएं, या किसी चीज़ से थक जाएं, या जहनी तौर पर थकन का शिकार हो जाएं, तो हम टायर्ड ऑफ के साथ नाउन और जैरन इस्तेमाल करते हैं पिछली वीडियो में नाउन और जैरन क्या होता है हमने इसके ऊपर बात की थी आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह इस नाउन और जैरन को मज़ीद इस्तेमाल करते हुए हम अपनी परेशानियों और उलझनों का इंग्लिश में इजहार कर सकते हैं जब हम प्रेजेंट के अंदर अपनी मुश्किल बताना चाहेंगे तो टायर्ड ऑफ़ के साथ एम आर और पास के अंदर वर और फ्यूचर के अंदर विल बी का कर इस्तेमाल करेंगे आइए अब चल के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं शी इज़ टायर्ड ऑफ़ quarantined ड्यू टू कोविड 19 वो क्वारंटाइन में रहकर बहुत ज़्यादा बेजार हो गई है कोरोना वायरस की वजह से माई फ्रेंड इज़ टायर्ड ऑफ हिज यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स मेरा दोस्त बेजार आ गया है अपनी यूनिवर्सिटी के असाइमेंट्स से ही इज़ टायर्ड ऑफ फ्लू वो नज़ले से परेशान है आई एम टायर्ड ऑफ़ राइटिंग मैं लिख लिख कर बेजार आ गया हम सीखेंगे कि हम किस तरह से टायर्ड ऑफ को डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं लेट्स मूव ऑन वुड यू लाइक टू ईट पिज्जा सर नो वे आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग योर टेस्टलेस पिज्ज़ा क्या आप पिज्जा खाना चाहेंगे सर बिल्कुल नहीं मैं तुम्हारा बेजाय का पिज्ज़ा खा के परेशान आ गया हूँ वट आर वी ईटिंग फॉर लंचे आज हम लंच में क्या खा रहे हैं आई डोंट नो हाउ अबाउट अ बर्गर मुझे नहीं पता बर्गर के बारे में क्या ख्याल है नो आई ईट दैट ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दैम नहीं मैं बर्गर रोज खाता हूँ मैं थक गया हूँ बर्गर खा के लेट्स हैव सम मोर एग्जाम्पल्स ही इज टायर्ड ऑफ हिज जॉब बिक ही डिड नाट अपग्रेड हिम सेल्फ टाइमली यह शख्स अपनी जॉब से तंग आ चुका है क्योंकि वक्त के साथ इसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था वट आर यू टायर्ड ऑफ तुम किस चीज से बेजार हो आई एम टायर्ड ऑफ़ डूंग होमवर्क मैं अपने होमवर्क से बेजार अब हम सीखेंगे कि हम किस तरह से टायर्ड ऑफ़ की जगह डिफ़रेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसिस बना सकते हैं और हम किस तरह से अपनी परेशानी और मुश्किलात का ज़िक्र टायर्ड ऑफ़ के अलावा किसी और वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं आई एम सिक ऑफ़ दिस फोन आई थिंक आई बाय अ न्यू वन मैं इस फोन से बेजार आ गया हूं मेरा ख्याल है मुझे नया खरीदना चाहिए आई एम फेड अप विथ सेम रूटीन आई नीड टू फाइंड सम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट मैं अपनी रूटीन से तंग आ गया हूं मुझे कुछ नया करना चाहिए ही इज़ बोर्ड ऑफ सिंगिंग ही शुड चेंज हिज प्रोफेशन वो गाना गा के तंग आ गया है अब उसे अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए तो हमने यहाँ पर सीखा कि हम किस तरह से टायर्ड ऑफ़ की जगह सेक ऑफ या फैडअप विद या बोर्ड ऑफ इस्तेमाल कर सकते थे तो आई होप सो कि आपको आज का लेसन क्लियर हो गया होगा और इन शह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे जब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना हर किस मत भूलिए